हरे कृष्णा। तो आज बहुत पवित्र दिन है और प्रभु जी ने बड़ी अच्छी चर्चा की रुक्मिणी महारानी के बारे में। जयानंद प्रभु के विषय में तो ज़्यादा समय नहीं मिल पाया, तो रुक्मिणी के संबंध में जो मैं हमेशा कुछ बातें बताता हूँ जो कि मुझे अपनी अनुभूतियाँ हैं कि जो त्रेता युग में सीता महारानी थी तो वही द्वापर में रुक्मिणी के रूप में प्रकट हुई, और त्रेता युग में जो रावण था वो द्वापर में शिशुपाल के रूप में प्रकट हुआ, त्रेता युग में जो श्री राम थे तो द्वापर में श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए, त्रेता युग में जो सीता के पिता जनक थे तो द्वापर में वो रुक्मिणी के पिता भीष्मक के रूप में प्रकट हुए। और जो घटना हुई कि रावण ने सीता का अपहरण किया तो श्री राम की विवाहिता पत्नी सीता का उसने अपहरण किया रावण ने, तो ये जो आक्रोश था श्री राम के अंदर कि उसने ऐसा किया तो इसका बदला लेना है, तो इसी प्रकार से इस बार राम ने जो है सीता का अपहरण किया और सीता का विवाह रावण के साथ हो रहा है। लेकिन राम का तो रावण का तो पूरा धर्म था कि सीता की विवाहिता पत्नी को उसने हरण किया और फिर राम के अनुपस्थिति में अपहरण किया। श्री राम ने जो है इस प्रकार से अब योजना बनाई कि अब मैं तेरी पत्नी का अपहरण करूंगा लेकिन विवाहिता नहीं होगी, विवाह के जो है जब तैयारी होगी तो मैं अपहरण करूंगा, तो उसमें जो है राक्षस विधि से ये विवाह कहलाता है, लेकिन ये जो है धर्म के अनुसार है। तो भगवान श्री राम जो है धर्म के अनुसार ही सब कार्य करते हैं, लेकिन बदला फिर भी लिया उसी प्रकार से कि जैसे कि शिशुपाल को महसूस हुआ कि मेरी विवाहिता पत्नी हो गई है, विवाह की पूरी तैयारी मंत्र वगैरह सब मतलब पढ़े गए और फिर उसके बाद फिर जो है उन्होंने जो है किया अपहरण किया, और अपहरण किया तो ऐसे अपहरण नहीं किया कि मतलब चोरी की सबके सामने और युद्ध करके है, तो मतलब भगवान राम कहते हैं अगर करना तो ऐसे कर रावण ने तो जो है राम की अनुपस्थिति में लक्ष्मण की अनुपस्थिति में सीता का अपहरण किया है, ब्राह्मण का भिक्षु का वेश सन्यासी का वेश धारण करके, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो भगवान जो है आए तो सबके सामने जो है सीना जोरी से जो है अपहरण किया रुक्मिणी जी का, तो ये जो है मतलब घटना है तो उसी प्रकार की घटना है। लेकिन भगवान जो है मतलब भगवान के अंदर भी वो भावना है कि तुझको भी जो है ये मजा जो है चखाऊंगा मैं, जैसे मुझे जो है तूने कष्ट पहुंचाया तो उसको भी इसी प्रकार का जो है, तो शिशुपाल को महसूस हुआ कि उसका सब कुछ लुट गया है ना, विवाह की सब तैयारी बड़ी मतलब ठाट बाट से आए थे विवाह करने के लिए और फिर जब गए तो बुरी हालत से अपनी दुर्दशा करा करके आए, इस तरह से जो है भगवान ने रुक्मिणी के साथ में जो है ये लीला की है। हरे कृष्ण। श्री रुक्मिणी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय।